उधर उत्तराखंड के 9 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़, उधमसिंह नगर, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग शामिल हैं। तो यहां उत्तराखंड में अलर्ट जारी हुआ है। तो दूसरी तरफ लखनऊ से खबर मिल रही है, आसपास के इलाकों में भी तेज बारिश हो रही है। बारिश से सड़कों पर भरा है पानी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, यूपी के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। लखनऊ के अलग अलग इलाकों में कल शाम से जारी है तेज बारिश और कई जगहों पर सड़कें लबालब हो गई है। यूपी के अलग जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें राजधानी लखनऊ भी शामिल है। आज सुबह से ही यहां तेज बारिश और हवा की वजह से गोमती नगर इलाके में एक बड़ा पेड़ गिर गया। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। पानी से ये सड़कें दरिया बन गई हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं, हर तरफ पानी पानी नजर आ रहा है। दूसरी तस्वीर में देखिए, बड़े बड़े पेड़ सड़क पर गिर रहे हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं, हर तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। गोमती नगर में ये पेड़ गिर गया। तो ये तस्वीरें आपने देखी कि कैसे लखनऊ में बारिश ने तबाही का मंजर दिखाया है और कैसे सड़क पर पानी भरा हुआ है, जिसमें गाड़ियों के टायर तक डूब रहे हैं। और अब आपको अपने सहयोगी विशाल अवंशी की मौके से रिपोर्ट दिखाते हैं, जो ये बता रहे हैं कि कल से बारिश में लखनऊ के लोग कितने परेशान हैं। राजधानी लखनऊ में कल देर रात से लगातार बारिश होने की वजह से तमाम जगहों पर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि राजधानी लखनऊ के तमाम जगहों पर इस वक्त जलभराव हो गया है और तमाम जो लोग सड़कों पर निकल रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी मुश्किलें पैदा हो गई हैं। कल देर रात से ही राजधानी लखनऊ में तेज बारिश हो रही है और अगले 24 घंटे तक मौसम विभाग ने फिलहाल इसी तरह के बारिश का अनुमान जो है वो लगाया है। उत्तर प्रदेश में आज कई जिलों पर रेड अलर्ट भी जारी किया गया है और फिलहाल बारिश लगातार होने की वजह से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तमाम जगहों पर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है और लोगों को राहत जरूर गर्मी से मिल गई है, लेकिन सड़कों पर जलभराव की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन दिवाकर साथ विशाल लघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। तो यूपी में इन दिनों कई जगहों पर भारी बारिश और बाढ़ का कहर देखा जा रहा है और इस बीच लखनऊ के गोमती नगर में भारी बारिश के चलते बीच सड़क पर एक बड़ा पेड़ गिर गया। हालांकि इस हादसे में सड़क पर गुजर रहे वाहन बाल बाल बच गए। देखिए हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ में लगातार हो रही तेज बारिश का असर अब जनजीवन पर दिखाई पड़ रहा है और आप देख सकते हैं कि गोमती नगर इलाके में अभी अभी ये पेड़ जो है ये सड़क पर गिरा है। हालांकि एक राहत की बात ये रही कि इस पेड़ की जद में कोई नहीं आया, सड़क किनारे ये पेड़ लगा था और आप देख सकते हैं कि हाई टेंशन तार जो है वो भी इसकी चपेट में था और ऐसे में आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो जुट गए हैं। ये क्या नाम है आपका? वेद प्रकाश। वेद प्रकाश जी, कब गिरा है ये पेड़ और ये? अभी गिरा है, दो मिनट नहीं हुआ, बस 2 मिनट पहले। क्या पहले से कमजोर था ये पेड़? हाँ, पहले से कमजोर था, जड़ के हिसाब से नीचे से कमजोर था, तभी गिरा ये। तो कोई आया नहीं जद में ना? नहीं, भगवान की कृपा रही, कोई आया नहीं नीचे इसके। तो आप लोग कैसे मालूम चला कि पेड़ गिर गया है? अभी घर से देखे, बस दौड़ के आए, देखे गिर गया नीचे, अभी गिरा, 2 मिनट पहले ही गिरा हुआ। पर जो है ये पेड़ झुक रहा था अचानक, अभी 5 मिनट पहले छोड़ दिया, तुरंत गिर गया फट से। और दो लोग एक कार से आए थे, एक एक्टिवा वाला भाग गया, बच गया नहीं तो दब जाता उसके नीचे। जी, हम लोग दौड़ का कोई हुआ नहीं है, हम लोग दौड़ गए, कोई फिलहाल यहाँ नहीं था। हाँ, आप देख सकते हैं कि एक बड़ा सा पेड़ जो है वो रिहायशी इलाका है गोमती नगर का, वहाँ पर ये पूरा गिरा है और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सड़क के बीचों बीच ये पेड़ गिरा। हालांकि राहत की बात ये रही कि किसी भी तरह से कोई इसकी चपेट में नहीं आया है और फिलहाल लगातार इस तरह की तस्वीरें जो है वो दिखाई पड़ रही हैं। कैमरामैन दिवाकर साथ विशाल लघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ।